गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट्स स्टार्ट किया था, मोमेंट्स होता क्या है, और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे क्या होता है मोमेंट्स में और क्या क्या होता है। मोमेंट्स में हम लोग देखे थे कि मोमेंट्स होता क्या है, उसका डिफिनीशन देखे थे, उसका वैल्यू देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि मोमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को इसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो मोमेंट में दो प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, या दो क्लासिफिकेशन इसको कह सकते हैं कि मोमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो क्लॉक वाइज मोमेंट और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। तो मोमेंट पे जिस प्रकार का फोर्स लगता है और वो फोर्स अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करता है उसको, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्लॉकवाइज मोमेंट है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करता है, जैसे कोई कोई फोर्स है, ठीक है, अगर इस पे फोर्स ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको क्या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉक वाइज मोमेंट या क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मोमेंट हो रहा है। जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल, ये पिक्चर देखिए आप, इसमें आपको दिखा रहा है सेकंड नीचे वाला जो पिक्चर है उसमें देखिए कोई फोर्स है, जो पॉइंट कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है आपका रिजिड बॉडी है, तो इस रिजिड बॉडी पे एफ फोर्स लग रहा है, तो ये एफ फोर्स इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसको एफ फोर्स को इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा था, हम लोग बोलेंगे कि मोमेंट क्लॉक वाइज है। और देखिए उसी तरह से ऊपर वाला पिक्चर देखिए जिसमें है, तो इसमें ये रिजिड बॉडी है, तो इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और पॉइंट ये है, इस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है, तो इस ये डिस्टेंस डी है, तो ये रोटेट किस करेगा, ये ऊपर की ओर मूव कराने का कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव कराने का कोशिश करेगा, रोटेट कराने का कोशिश करेगा इसको, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट। तो जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स किसी एक्सिस के थ्रू अगर वर्क कर रहा है किसी बॉडी पे, तो जिस डायरेक्शन में उसको रोटेट करने का कोशिश करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉक वाइज मोमेंट, अगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। इसका एक साइन कन्वेंशन भी होता है कि कौन सा मोमेंट पॉजिटिव लेंगे और कौन सा मोमेंट नेगेटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन में हम लोग यही देखे थे ना। तो क्लॉक वाइज मोमेंट को इसमें नेगेटिव ले रहा है और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। जनरल रूल है या स्टैंडर्ड है, ऐसे हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। अगर सेम सिचुएशन है, एक ही बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक ही टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो उस केस में जैसे अगर देखो कोई बॉडी है, इसमें दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये अगर कोई बॉडी है, कोई बीम है, इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है और ये आपका एक्सिस है, ये अगर मान लिया कंटिलीवर बीम हम बना रहे हैं, ये कंटिलीवर बीम है, इस पे अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण इसमें मोमेंट जनरेट होगा, कोई डिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ से ये डिस्टेंस डी है, तो मोमेंट तो हम समझ गए कि मोमेंट एम इक्वल टू एफ इंटू डी होगा, मोमेंट एम एफ इक्वल टू डी होगा। अब जब हम इसका डायरेक्शन देखेंगे किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये देखिए ये शो कर रहा है कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये पॉइंट को ए माने तो एम ए लिख सकते हैं इस मोमेंट को, एम ए लिख सकते हैं मोमेंट को, और एम इक्वल टू एफ इंटू डी। अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा कि इसको इसका साइन कन्वेंशन अगर देखेंगे तो देख रहे हैं कि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम इसको ले रहे हैं, या नज़र आ रहा है कि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसको नेगेटिव मोमेंट आप लोग लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से
अगर यही सिचुएशन है और फोर्स नीचे की ओर से ऊपर की ओर लगता तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करता। और यहाँ पे अगर ए पॉइंट ले रहे हैं और ए पॉइंट के थ्रू है और ये डिस्टेंस डी है, फोर्स एफ लग रहा है, तो इस केस में एम ए इक्वल टू एफ इंटू डी होगा। मगर डायरेक्शन इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एम ए इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। उसी तरह से ये यहाँ पे आपका एम ए इक्वल टू प्लस एफ इंटू डी। ये स्टैंडर्ड रूल है, जनरल प्रोसीजर है, आगे भी जब आप लोग नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िएगा तो यही वाला आपको दिखेगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इसमें नेगेटिव लिए ना, इसमें ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, गलत बता दिए, देखिए क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से करके। एक बार और आपको अच्छे से बता देते हैं ड्राइंग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कि एक बीम है या कोई रिजिड बॉडी है जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज दैट ये एक्स एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो फोर्स लगने के कारण, एफ फोर्स लगने के कारण इसमें कोई मोमेंट जेनरेट हो रहा है। सपोज ये एक्सिस है तो एक्सिस इस पॉइंट को ए मानते हैं, तो पॉइंट ए के थ्रू या इस एक्सिस एक्सिस के थ्रू एम ए या एम एक्स एक्स इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ तक तो क्लियर था आप लोग का, ठीक है। अब आ रहा है कि ये रोटेट करने का कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखें, साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट में स्टैंडर्ड बुक्स में, आपका स्टैंडर्ड बुक्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो स्टैंडर्ड बुक्स में अगर मोमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, मतलब एम ए आपका नेगेटिव है, समझे ना, एम ए नेगेटिव होता है। और आपका दूसरा चीज है कि अगर यही मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, अगर इसको एक्स या इसको एक्स एक्स मान, सॉरी एक्स एक्स मानते हैं, तो एम ए इक्वल टू पॉजिटिव होता है और इक्वल टू प्लस एफ इंटू बी होता है, ठीक है। जब मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे और जब क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लोगे। ये स्टैंडर्ड बुक्स आपका जितना भी है ये फॉलो करता है, मगर जब आप अभी देखिएगा आपका ऋतु पब्लिकेशन का बुक में तो उसमें फॉलो किया है इसका उल्टा, ठीक है ना, उसमें क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया है। ये आपका ऋतु पब्लिकेशन आपको फॉलो करता है इस तरह का चीज, ठीक है ना, तो दोनों ध्यान देंगे। मगर अगर एक ही प्रॉब्लम में, जिसे इसी में आ रहा है, हम कोई एक रूल फॉलो करेंगे, जहाँ भी कोई, या तो स्टैंडर्ड फॉलो करके चलिए या तो आप ऋतु पब्लिकेशन का फॉलो करके चलिए, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। प्रॉब्लम हम लोग और प्रोसीड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों से कैसे सेम आंसर आता है, क्लॉकवाइज मोमेंट लें या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लें, इसको पॉजिटिव लें या इसको पॉजिटिव लें, तो कैसे दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, ये भी हम शो करके दिखाएंगे आपको। जब आप फिजिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा ना, हम लोग के सामने आएगा तो वो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। मगर साइन कन्वेंशन में आप लोग ऋतु पब्लिकेशन को फॉलो मत कीजिएगा उसमें, क्योंकि जब बाद में आप आगे जब पढ़िएगा स्टैंडर्ड बुक या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में जब जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को आदत रहेगा लेने का क्या, कि क्लॉक वाइज मोमेंट हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, मगर थर्ड सेमेस्टर में जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िएगा तो उसमें जब मोमेंट और बीम वगैरह को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव ले रहा है, तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि जो क्लॉक वाइज मोमेंट रहेगा उसको नेगेटिव लेके चलेंगे और जो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट रहेगा उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, ये हम लोग देख के चलेंगे। इसके आगे हम लोग को और क्या है इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी में सेंस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं इसको। तो सेंस ऑफ रोटेशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे हो रहा है। तो इसका एक रूल है, राइट हैंड रूल। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सपोज दैट ये यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस डायरेक्शन में अपना हाथ रखेंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अपना उंगली मोड़ेंगे। जैसे आपको दिखाते हैं हम वीडियो बड़ा करके, यहाँ इसमें से नहीं अगर समझ में आ रहा है, अगर ये है इस पे कोई फोर्स इधर की ओर इधर से लग रहा है, देख रहे हैं इधर से अगर कोई फोर्स लग रहा है, या अगर समझ इधर से अगर फोर्स लग रहा है या इधर से कोई फोर्स लग रहा है, तो पहले तो डिसाइड करेंगे फोर्स किधर से लग रहा है। या तो प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, हम लोग को शो किया हुआ रहेगा कि इसका सेंस ऑफ रोटेशन या सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होगा वो बताइए। तो सपोज दैट ये एक कैंटिलीवर बीम है जो कि हम इस हाथ में पकड़े हुए हैं, तो इस हाथ में ये फिक्स है, ठीक है। तो अगर फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम लोग अपने हाथ को, कौन से हाथ को, लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर इस हाथ को हम लोग मोड़ेंगे इस तरह से। जैसे अगर इसको इस तरह से करके दिखाएं, इसको हम लोग मोड़ेंगे इस तरह से। तो नीचे से हम लोग ले गए ऊपर और इस तरह से मोड़े, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है ना। तो ये हो गया इसका सेंस ऑफ रोटेशन, हम लोग को पता लग जाता है। उसी तरह से देखिए, आप लोग को डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए, ये डायग्राम में सेंस ऑफ रोटेशन ज्ञात करने के लिए अपना हाथ लिया है और हाथ को जिस डायरेक्शन में फोर्स लिया है उधर की ओर हाथ बढ़ाया है। देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में, सपोज दैट अगर यहाँ पे फोर्स लगता है इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगता, सेम सेम फोर्स है ना, ये फोर्स आपका मूव करके केवल यहाँ पे आ गया, तो इस डायरेक्शन में आपका हैंड लिया, देखो सेम डायरेक्शन में हाथ लिया और आगे से इसको करके मुड़ा है। अब ये हाथ जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा, अगर फोर्स इधर से लगता, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो दो डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाता। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन ज्ञात करने का तरीका है, एक रूल है कि राइट हैंड को हम लोग लेंगे, राइट हैंड लोगे और जिस तरफ फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में अपना हथेली को, एक बार फिर स्क्रीन बड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अपना हथेली को ऐसे रखेंगे, अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो इस तरह की रखेंगे, और सपोज दैट ये बीम है, ये बीम है, इस पे अगर फोर्स लग रहा है तो हम फोर्स इधर की ओर ले जाएंगे अपने हाथ को, राइट हैंड को, और इसको इस तरह मोड़ेंगे। तो ये जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ अभी मूव कर रहा है, ये इसका रोटेशन हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो जाएगा, मतलब मोमेंट किस ओर हो रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा या सेंस ऑफ मोमेंट होगा। इसको सेंस ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करने का एक और तरीका हुआ। अगर 2D डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है तो 2D डायग्राम में तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंट हम लोग ज्ञात करने का तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग का लॉ ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या लॉ ऑफ मोमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बताता है कि जब कोई वस्तु एक कोप्लेनर कोप्लेन जब किसी वस्तु पे, कोई रिजिड बॉडी है और वो इक्विलिब्रियम में है और उस पर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स के कारण जो टोटल मोमेंट क्रिएट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इक्वल होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट का। मतलब किसी रिजिड बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या एक भी फोर्स एक्ट कर रहा है, और अगर कंडीशन दिया हुआ है या हम बोल रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों का योग, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जीरो होता है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब बॉडी कोई भी वस्तु जब इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी रिजिड बॉडी हो, तो उस पे जो टोटल मोमेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इक्वल होगा टोटल डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज, टोटल मूवमेंट इन एंटी क्लॉक।